एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर, जो कि अगर आपके नेक एरिया पे लाइन बन जाते हैं, नेक पे रिंकल्स आ गए हैं, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और साथ ही ये क्यों होता है, इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगी कि क्यों होता है। तो एक एक करके पहले हम कारण जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलो कारण जानते हैं। तो पहला, मेकअप। अगर लड़कियां मेकअप करती हैं और शादी में जाती हैं या किसी पार्टी में जाती हैं और जब घर वापस आती हैं तो वो भूल जाती हैं मेकअप उतारना। अपने फेस का तो अच्छे से मेकअप उतार लेती हैं लेकिन नेक एरिया पे मेकअप उनका रह जाता है, वो अच्छे से नहीं उतार पाती हैं क्योंकि वो थकी होती है, इस वजह से नहीं उतार पाते होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि कुछ लोग उतारते हैं पूरे फेस का, मतलब पूरे फेस नेक एरिया पे सब उतार लेते हैं मेकअप, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भूल जाते हैं। इस कारण से भी आपका जो है मतलब कि नेक रिंकल्स हो जाते हैं, जो मेकअप है वो बैठने लगता है आपके नेक पे और लाइंस लाइंस आ जाता है। तो वो जो यहाँ पे जैसे हम सोते हैं ना, तो जैसे ऐसे दबाकर सोएंगे, ऐसे करके सोएंगे, तो मेकअप के हेल्प से क्या होगा, क्या ऐसे लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंड, आपको स्क्रब करना है। आप अपने नेक को हफ्ते में दो बार स्क्रब जरूर करें। इससे होगा क्या, जितना भी आपके नेक एरिया पे ना डस्ट होंगे, डेड स्किन होंगे, वो सारे रिमूव होंगे और अच्छे से आपको ना स्क्रब करना है लाइक दिस, ऐसे 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 सर्कुलर वाइज आपको मसाज करना है स्क्रब के हेल्प से। इसको अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर ले। एंड थर्ड, आपको क्या करना है, आपको मसाज करना है, ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद भरपूर आप अपने नेक एरिया पे एकदम ऑयल को एकदम लगा ले अच्छे से, और फिर अपर डायरेक्शन से लेकर नीचे की डायरेक्शन के साइड हम आएंगे ऐसे। और ऐसे अपने नेक को स्ट्रेच भी करेंगे मसाज करने के बाद। एंड फोर्थ कारण ये है कि आप सही ढंग से नहीं बैठते हैं, आप अपने बॉडी को एकदम लूज छोड़ देते हैं, आपके बॉडी जो मतलब पोस्चर है वो सही नहीं है। इसके कारण ये मेन इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके बॉडी पोस्चर अगर मतलब सही नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपके गले पे रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। आप मतलब कि 98% मैं बोलती हूँ जितने भी लोग हैं ना आराम से बैठना मतलब पसंद करते हैं, और उनको ये नहीं कह रहे चलो कुछ भी हो रहा है, उनको जैसे बैठना है वैसे बैठना है, उसमें से मैं भी हूँ। बट मैं भी अभी सही से बैठना शुरू कर दिया है मैंने, एकदम स्ट्रेट बैठती हूँ और गले को हमेशा ऑलवेज मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे नहीं बैठती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे फोन नहीं देखती हूँ, फोन भी देखना होता है मुझे तो एकदम ऐसे ऐसे रहता है, मैं नहीं तो ट्राइपॉड में फोन लगाती हूँ और ऐसे बैठकर ऐसे देखती हूँ, जैसे अब भी देख रही हो ना वैसे ही करके वैसे देखती हूँ, और फोन भी अगर हाथ में लेना होता है तो ऐसे करके देखती हूँ। इससे क्या होगा, जो लाइनिंग बनती है ना नेक पे वो नहीं बनेगी। तो आप लोग भी ये फॉलो करो और देखो आप लोगों को भी ये जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यही सारी हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है बेसिकली, हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे ना और ये सब जो प्रॉब्लम है, बहुत ही कम उम्र में ये सब रिंकल्स आ रहे हैं नेक एरिया पे, तो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा ही लगता है, चेहरे का खूबसूरती बिगाड़ देता है अगर रिंकल्स दिखता है गले पे तो। और मैं क्या बताऊं, आप लोगों को होगा तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अजीब सा लगता है, शक्ल कुछ और दिखता है और आपके जो गर्दन है वो कुछ और ही दिखता है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो जरूर करें और हफ्ते में तीन बार आपको ऑयल से मसाज करना ही करना है। तो आप रात को सोते वक्त या दिन में कहीं फ्री बैठे हुए हो या टीवी देखते देखते ही आप मसाज कर लो अपर डायरेक्शन से, मतलब नीचे आना ऐसे 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 और ऐसे, और फिर लास्ट में आपको ऐसे ऐसे करना है। इससे क्या होगा, जो भी लाइनिंग्स बने हैं वो धीरे 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 करके
स्लोली स्लोली खत्म हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी अमेजिंग बेहतरीन वीडियोस के साथ में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।